खोजी टीवी के मुअज्जिज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चाइना ने एक बार फिर भारतीय फौजियों की ठुकाई कर दी। लद्दाख में ताजा झड़प ने मोदी और भारतीय फौज की अकल ठिकाने लगा दी। यही नहीं बल्कि चीन ने 1000 मुरब्बा किलोमीटर के भारतीय इलाके पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि चाइना ने भारतीय सरहद के करीब बड़ी तादाद में हेलीपैड्स तामीर करना शुरू कर दिए हैं, जो जंगी माहौल में चीन को मदद फ्राहम करते हुए भारत को मलियामेट कर सकते हैं। अमरीकी माहरीन भी चीख उठे कि चीन जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। क्या चीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है? क्या आने वाले दिनों में बड़े मार्के का आगाज हो सकता है? ताजा झड़प में कितना जानी और माली नुकसान हुआ, आज की जेरे नजर वीडियो में इसी पर बात की जाएगी। तहम आगे बढ़ने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जाने। मौजूद नाजरीन ग्रामी, चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में एक बार फिर से बड़ी तब्दीली रूनुमा हो गई। भारत जो अमरीकी इमा पर चीन को इश्तियाल दिलाने की कोशिश में है, उसके लिए संगीन मसाइल पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। आलमी माहरीन भी मोदी और इसके हवारियों को मुतनब्बे कर रहे हैं कि चीन किसी वक्त भी भारत पर धावा बोल सकता है, लिहाजा इफाम और तफहीम से काम लिया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी और उसके शरपसंद वुजरा को यकीनन ये बात समझ नहीं आ सकती। लद्दाख के महाज पर भारतीय फौज की नकलो हरकत और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों ने चीन को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर कर दिया। चीन और भारत के फौजियों के माबैन लद्दाख में ताजा झड़पों की इतलात है, जिसके बाद से चीनी फिजाइया के त्यारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास फिजा में गश्त कर रहे हैं और हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। भारत का दावा है कि मशकी लद्दाख में प्योंगांग झील के जनूबी इलाके में चीनी फौज ने सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश की, जिसे भारतीय फौज ने नाकाम बना दिया। नई दिल्ली हुकूमत की तरफ से जारी बयान में इसकी तस्दीक करते हुए कहा गया कि यह वाकया 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब का है, जिसमें भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारतीय हुकाम ने रिवायती झूठ बोलते हुए एक बार फिर चीन पर इल्जाम आयद करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय फौज के बयान के मुताबिक चीन के साथ कशीदगी कम करने के मकसद से फौजी और सिफारती सतह पर बातचीत के दौरान जिन अमूर पर इत्तेफाक हुआ था, चीनी फौज ने उसकी मुखालफत की और पीएलए ने मौजूदा सूरत को तब्दील करने की इश्तियाल अंगेज हरकत की। भारतीय फौज को इसका इल्म हो गया और उसने अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए इकदाम किए और चीनी कोशिशों को नाकाम बना दिया। तहम अंदर की हकीकत कुछ और ही है। चीनी अस्करी क्यादत का कहना है कि भारत की जानिब से बिला वजह चीनी फौजियों को इश्तियाल दिलाया गया। जब फायरिंग हद से बढ़ी तो चीनी फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की और भारतीय फौज की बंदूकों को खामोश करवा दिया गया। गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक ताजा झड़प में भारत के करीबन 50 फौजी जानों वासिल हुए, जबकि चीनी फौज के 5 फौजी जान से गए। लद्दाख की मारूफ प्यांगसू झील के शुमाली इलाके में भारत और चीन के दरमियान हालात पहले से कशीदा थे और गुज़श्ता मई से दोनों के दरमियान इसे हल करने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। ताहम झील के जनूब में इस तरह की झड़पें पहली बार हुई और दिफाही माहरीन के मुताबिक दोनों के दरमियान ये एक नया महाज खड़ा हो गया है। इन ताजा झड़पों से मुतालिक भारतीय फौज ने कोई तफसीलात नहीं बताई। ताहम खित्ते में तैनात फौजी जराये के मुताबिक दोनों जानिब के फौजियों के दरमियान जबरदस्त हाथापाई हुई और एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। ये सिलसिला 29 अगस्त की दरमियानी शब शुरू हुआ और सुबह तक जारी रहा। नाज़रीन ग्रामी, लद्दाख में इस वक्त भारत और चीन के कई हजार फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों जानिब तैनात हैं और गुज़श्ता 4 माह से हालात कशीदा हैं। ताहम इस वाके के बाद खित्ते में फौजी नकलो हरकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। भारतीय खबर रसां इदारों के मुताबिक चीन ने LAC के पास अपनी एयर बेस हुटन पर J-20 जंगी त्यारे तैनात कर दिए हैं, जो लद्दाख में सरहद से बिल्कुल मुत्तसिल इलाकों में मुसलसल परवाज कर रहे हैं। एक और इंकिशाफ ये भी है कि चीन ने अपने जदीद तरीन जंगी हेलीकॉप्टरों के लिए भारतीय सरहद के करीब मुतनाज़े इलाके में हेलीपैड्स बनाना शुरू कर दिए हैं, जिनका मकसद जंग की सूरत में भारत को मुंह तोड़ जवाब देना है। चीन अपाची हेलीकॉप्टरों की तर्ज के इंतहाई जदीद जंगी हेलीकॉप्टर रखता है, जो पल भर में दुश्मन का गरूर खाक में मिला सकते हैं और भारतीय सरहद के करीब तरीन रहकर ये हेलीकॉप्टर बड़ी कार्रवाई करने की सलाहियत भी हासिल कर चुके हैं। यही वजह है कि भारतीय अवाम में शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है। तहां मोदी सरकार और भारतीय फौज की आला क्यादत इस तनाजे को सुलझाने की बजाय मजीद उलझा रही है।
एक खबर यह भी है कि भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज ने सरहद पर तैनात भारतीय फौजी अफसरान को मजीद चौकस रहने और चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी है। इस अमल से खित्ते का अमन मजीद खराब होने का खतरा है। जमीनी हकायक को देखा जाए तो प्यांगसू झील में जिस नौयत का तनाजा है उसमें इस नौयत की झड़पें कोई मामूली बात नहीं है। लद्दाख में जिस बड़े पैमाने पर फ्रीकैन में इख्तिलाफात हैं और जिस तरह मुसलसल कशीदगी का माहौल है, इसमें इस तरह की चीजें उस वक्त तक होती रहेंगी जब तक मामला हल नहीं हो जाता। चूंकि सरहद पर फौजें एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो इस तरह की झड़पें मुस्तकबिल में भी होना बेदस क्यास नहीं है। नजनिग्रामी भारत का मौकफ है कि LAC पर रवा बरस अप्रैल तक जो पोजीशन भारत की थी उसको बहाल किया जाए और कशीदगी को कम करने के लिए दोनों मुल्कों की फौजों को पहले की पोजीशन पर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन चीन ये बात मानने को तैयार नहीं, बल्कि मुसलसल भारतीय इलाकों पर काबिज होने के लिए चीन बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। भारतीय हुकाम के मुताबिक सबसे बड़ा मसला लद्दाख की मारूफ झील प्यांगसू का है, जिसमें पहले भारत फिंगर 8 तक गश्त करता था, तहम अब उसे फिंगर 4 तक ही रसाई हासिल है। दूसरा डीप सांग का इलाका है, जहां दिफाई माहरीन के मुताबिक चीन पहले के मुकाबले में तकरीबन 22 किलोमीटर अंदर आ गया है। इसकी तस्दीक भारतीय फौज ने खुद की है। भारतीय फौजी ज़राए के मुताबिक डीप सांग में बॉटल नेक नामी वो मकाम जहां पहले भारतीय फिजाइया की एक बेस हुआ करती थी, वो तमाम इलाका चीन के कब्जे में है और भारत अपनी अहम तरीन फिजाई बेस से भी हाथ धो चुका है। दूसरी जानब एक मारूफ भारतीय अखबार ने इंकशाफ किया कि मरकजी हुकूमत को मिलने वाली इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ लद्दाख का तकरीबन 1000 मुरबा किलोमीटर का इलाका इस वक्त चीन के जेर कंट्रोल है। अखबार के मुताबिक चीन अप्रैल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ फौजी जमा करके अपनी मौजूदगी को मुस्तहकम कर रहा है। दी हिंदू नामी भारतीय अखबार कहता है कि इसे एक भारतीय फौजी अफसर ने इतला दी है कि डीप सांग के मैदानी इलाके से चोशल तक चीनी फौज मुनज़्ज़म अंदाज में काबिज हो चुकी है और डीप सांग के मैदानी इलाके में पेट्रोलिंग प्वाइंट 10 से 13 तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का भारतीय हिस्सा 900 मुरबा किलोमीटर के लगभग चीन के जेर तसल्लुत है। इनमें वादी गुलवान में 20 मुरबा किलोमीटर और हार्ट स्प्रिंग में 12 किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तौर पर चीनी कब्जे में है। पेंगांगसू झील का 65 मुरबा किलोमीटर जबकि चोशल में 20 मुरबा किलोमीटर का इलाका भी चीन के कंट्रोल में है। यही नहीं बल्कि पेंगांगसू झील के करीब फिंगर 4 से 8 तक एक वसी इलाका भी चीनी फौज के कब्जे में है। झील से मुतसिल फिंगर 4 से 8 का दरमियानी फासला 8 किलोमीटर है। उस इलाके में मई तक चीनी और भारतीय फौजी दोनों पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन अब चाइना ने तमाम इलाका भारतीय अफवाज से छीन लिया है। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत बुखलात का शिकार है। नाज़रीन ग्रामी आलमी सियासत के बदलते हालात बतला रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से भारत को मोहरा बनाकर चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका ने चीन को साउथ चाइना सी में उलझाने के लिए अपने इत्तेहादियों से राबता कर रखा है, मगर चीन बगैर किसी खौफ के बड़े चैलेंजेस का सामना करने को तैयार है। अमरीकी अस्करी माहरीन ने यह दावा भी किया है कि चीन के पास ऐसी ऐसी जंगी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो अमरीका को भी चंद मिनट्स में ढेर कर सकती हैं। यही नहीं बल्कि रूस और चीन मिलकर अमरीका के खिलाफ जंगी हिकमत अमली तरतीब दे चुके हैं जिसे मख्फी रखा गया है। भारत चीन के लिए कोई बड़ा हदफ नहीं, चीन के सामने भारत की हैसियत भीगी बिल्ली की सी है और ये बात भारत के तमाम दानिश्वर जानते हैं। अगर चीन और भारत के माबैन जंग होती है तो भारत को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यही वो खौफ है जिसने भारतीय फौज को काबिजशुदा इलाके वापस ना लेने पर मजबूर कर रखा है और चीन लद्दाख में बड़ी दीदा दलेरी से मजीद भारतीय इलाकों पर कब्जे कर रहा है, मगर मोदी कुछ कहने सुनने और अमली कदम उठाने से कासिर दिखाई दे रहा है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।